नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैक पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में कई टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, और उसके बाद जो मैंने आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो सबसे इजी टॉपिक मैथ का जो है, और वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी बार कई एग्जामों में स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उन टाइप्स को और केवल हम कैसे चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरलीकरण के बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको करने में बहुत स्टूडेंटों को टाइम लगता है। लेकिन आज ये वीडियो मेरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के इस टॉपिक को बिल्कुल सरल बना सकते हैं। जैसे दोस्तों आइए सिंपलीफिकेशन में, सरलीकरण में मैं बात करता हूं। पहले हम पढ़ते थे और आज भी हम पढ़ते हैं बी बोर्ड मास, और बी बोर्ड मास का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है का, इसका मतलब भाग होता है, मल्टीपल गुणा होता है, एडिशन जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन घटाव होता है। लेकिन हमें इस फॉर्मूले के बेस पर आज हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों के बेस पर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों को करने में टाइम लगता है। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का। तो हम पहले क्वेश्चन को जब देखते हैं तो ये पूछ रहा है, ये कोई संख्या दी हुई है, ये जोड़ रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर जोड़ रहा है, पूछ रहा है कि इन सब का एडिशन ज्ञात कीजिए, इनका जोड़ ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो तरीके होते हैं, और एक तरीका तो हम जिस तरह से जोड़ते हैं, जैसे हमने ये जोड़ना है ऐसे कर लिया, फिर हमने इसको लिख दिया, फिर हमने इसको लिख दिया, 400 का कितना हो गया 16, 12 और एक कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 4936। ऐसे हम बहुत कम डिजिट वाली संख्याओं को बहुत कम समय में भी जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। जैसे इस प्रकार देखिएगा दोस्तों, यहाँ चार कितने दे रखे हैं, चार है भाई, 1 2 3 4। यहाँ चार कितने दे रखे हैं, तीन है। यहाँ चार कितने दे रखे हैं, दो है। यहाँ चार कितने दे रखे हैं, एक है। अब देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, 4 का गुणा 4 से करो, कितना आया दोस्तों 6, कितना हासिल कितनी लग गई 1। अब देखो 4 का गुणा 3 से करो, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, इसका मतलब फिर हासिल कितनी लग गई 1। 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9, और 4 1 4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइएगा, जैसे इधर हमने सॉल्व किया, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है। अब कभी भी एडिशन पूछे सेम संख्याओं का, तो हमें यही करना है, कितने 4 दे रखे थे 4, कितने 4 है 3, कितने 4 है 2, कितने 4 है 1। 4 का गुणा 4 में किया 16, 1 हंसू लग गई, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13 हंसू लग गई 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4। आइएगा हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन पे जब हम आते हैं वही तरीका सेम पैटर्न, कितने 5 दिए हुए दोस्तों 5, कितने 5 दिए हुए हैं 4, कितने 5 दिए हुए हैं 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। देखो 5 का गुणा 5 में किया, कितना आएगा दोस्तों 25, हासिल कितना लग गया 2, 5 का 20 और 2 कितना हो गया 25, 20 और 2 कितना हो गया 22, और 20 और 2 22 हो गया, हासिल फिर कितना लग गया 2, 5 3 15 और 2 कितना हो गया 17, हासिल कितना लग गया फिर 1, 5 2 10 और 1 कितना हो गया 11, हासिल कितना लग गया 1, और 5 1 5 और 1 कितना हो गया 6। तो यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इस इतने बड़े क्वेश्चन का हम ऐसे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 61725। आइएगा इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा कितनी बार है, अब आप खुद करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी, कितने हैं 5, कितने हैं 4, कितने हैं 3 2, और ये कितना है 1। देखना 6 का गुणा 3 में करना 18 आ गए, 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, 3 8 9 और 1 कितना हो गया 10, 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 1 3। तो ये आ गया 3,70,368, इसका मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,70,368, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 368।
कितना लिखा हुआ है 368। अब ये ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस टाइप से करना है। अब दोस्तों देखिएगा, अगले जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस क्वेश्चन को, अब इन क्वेश्चनों को हमें और टाइप कैसे आते हैं इन क्वेश्चनों में, जो क्वेश्चन ये है वो डिफिकल्ट कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इधर देखिएगा, उसमें कहेगा आपसे, आपसे ये बोलेगा, जैसे मान लो तुमसे ये दे दिया, तुमसे दे दिया, कह देगा क्वेश्चन देखो, दो सही एक बट्टे दो प्लस 22 सही एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे मान लिया ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नहीं भी दे तो हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के एक तो होता है राइट हैंड और एक होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है क्या है इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों हमें ये देखना है ये टर्म्स कितनी बार आई है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, कितनी बार है, 6 बार है। देखना ऊपर वाली संख्या जो दे रखी हो, एक और एक कितना हो गया 2, दो और एक 3, 4, 5 और एक कितना हो गया 6। तो राइट हैंड साइड में हमें कितना लिखना है 6। और बटे में कितना दिया हुआ है सबके में 2। इसका मतलब यहां से मैं कितना आ गया मेरे पास भाई 6 में अगर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। लेकिन अब हमारी टर्म्स रहेगी 2 + 22 + 222 ये वाली टर्म्स रहेगी। तो हमारे पास सिंपल एक तरीका था जिससे हम जोड़ते थे, ये तरीका था, इसमें दे रखा था ऐसे करके, फिर ये 4 वाला आ जाएगा, फिर ये 3 वाला, फिर ये 2 वाला, फिर ये 1 वाला, भाई ऐसे जोड़ना है। और हमें क्या बताया था ये कितनी संख्या दे रखी है 6, कितनी बार 2 है 5, कितनी बार 2 है 4, 3, 2 और 1 गुणा कर दो, 6 × 12, 5 × 10 = 11, 4 × 8 = 9, 3 × 6 = 2, 2 × 4 = 2, और जो ये आया है राइट हैंड साइड में इसको आप क्या कर दीजिएगा प्लस, तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा 2, 4, 6, 9, 1, 5, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास जो ये निकल के आया है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर अगर ये अलग अलग संख्याएं हो तो हम इन संख्याओं को कैसे या ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइएगा मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं और उसमें आपसे बोलेगा, ऐसे आपसे बोल दिया देखो, ऐसे बोलेगा 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7। बताइएगा साहब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। वही तरीका दोस्तों, राइट हैंड लेना है और एक कौन सा लेना है लेफ्ट हैंड। देखिए दोस्तों मैंने ऊपर वाली संख्या जोड़ी थी 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10 और 5, 15, 15 और 6, 21। अब ये कितना दिया हुआ है 21। और नीचे सबके में कितना दिया हुआ है 7। तो यहां से मेरे पास कितना निकल के आ गया दोस्तों 3। कितना निकल के आ गया 3। अब मुझे ये संख्याएं जोड़नी है। देखना दोस्तों वास्तविकता में अगर देखा जाए कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उन्हें ये चीज पता नहीं होती है। जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या लिख देता हूं 3 सही 1/3, स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि इसमें गुणा करना होता है क्योंकि हम ये गुणा करते हुए आए हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कभी भी गुणा नहीं होता है, उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होता है दोस्तों प्लस। तभी मैं कहता हूं 13 + 9 = 1 कितना हो गया 10, 10 बटे कितना लिख दिया 3। तो कभी भी मल्टीपल नहीं होता है। अब देखिएगा इधर तुमसे बोला जाए 99, भाई यहां तक तो हम राइट हैंड तक तो हमने कर दिया, कितना आ गया 3। लेकिन 99 कितनी बार है दोस्तों 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 का गुणा कर दूं, 6 नाम कितना हो गया 54, हासिल लगा 5, 6 नाम 54 और 5 कितना हो गया दोस्तों 59।
और प्लस का क्या करना है 3, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 597। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम, सीरीज वाले क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा कुछ टाइप्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा और तुमसे बोलेगा वो कुछ टाइप्स हमने पढ़े हैं और ऐसे पूछा जाता है और बोला भी जाता है, तुमसे कहेगा देखो जैसे मान लो क्वेश्चन देगा 5 और तुमसे बोलेगा इन क्वेश्चनों में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हुए हो तुम्हारे पास तो हमें कैसे सॉल्व करना है। और जैसे मान लो ऑप्शन दे दिया आपके लिए, 1 दे दिया 4, बी दे दिया 6, सी दे दिया 3, डी दे दिया 9, तो इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट पर जाते हैं, लास्ट वाली संख्या पर जाते हैं जो वर्गमूल पर दी हुई है, तो उन संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों ये दिया हुआ है 49, मुझे पता है कि 49 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है 7 का, तो मैं इसकी जगह पे क्या 7 लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल 7 लिख सकता हूं। तो देखिए 29 प्लस का 7 कितना हो गया दोस्तों 36, वर्गमूल लगा हुआ है 36, जैसे ही हुआ तो ये वर्गमूल लगाओ किसका होता है 6 का, ये कितना होता है 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 अब 11 प्लस के 5 कितना हो गया 16, ये प्लस था बीच में, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, अब 4 निकल गया 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3। देखिएगा हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जैसे इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अब देखो जैसे मान लो तुमसे यही पूछ लिया जाए और तुमसे बोल दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इनका भी अगर देखा जाए तो इनमें से देखिएगा दोस्तों, इनमें से अगर बोला जाता है तुमसे और पूछा भी जाता है, जैसे मान लो वही ऑप्शन 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया, तो बताइए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, कितना होता है 8, 17 और 8 कितना हो गया 25 का काम कितना हो गया 5, 11 और 5 16, 16 का कितना हो गया 4, 5 और 4 9, 9 का कितना फिर से निकल के आ गया 3। तो इस प्रकार के वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को भी हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइएगा सिंप्लीफिकेशन में कुछ आगे टाइप्स के बारे में बात करता हूं, जिन टाइप्स को करने में स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। जैसे दोस्तों इधर देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है और बोलता है 99/99 मल्टीपल में दे देता है 99 और पूछता है इसका आंसर क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जैसे मान लो ऑप्शन दे दिया आपको 9897, 9899, 9801 और दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। वही गलती जो मैं आपको बताया था पिछली अभी इसलिए थोड़ी देर पहले, वो गलती मत कर देना, 99 से 99 को क्रॉस कर दो क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 99 + 98/99 × मल्टीपल में कितना दिया हुआ है 99। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी हाँ, क्योंकि 99 का मल्टीपल होगा अंदर प्लस 98/99 × क्या लग दूंगा 99। देखना अब मैं कह सकता हूं कि 99 से क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसे गुणा करना, ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगा देते हैं, नहीं करने अब सॉल्व ऐसे। देखो 99 को क्या लिख सकता हूं 100 - 1 और प्लस के कितना करना है 98। देखना मल्टीपल करना 99/100 - 99 प्लस के कितना हो गया 98।
अब 9900 माइनस माइनस के 99 प्लस के 98 कितना बचेगा, माइनस का 1, और जैसे ही ये माइनस का 1 बचेगा तो यहां से आ जाएगा 9899। और मैं कह दूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 9899। हमें क्या गलती नहीं करनी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, हमें ये गलती नहीं करनी है कि आप सीधे डायरेक्ट इसको यहां से कट कर दो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गलत कैसे हो जाएगा, सिर्फ आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से निकल करके, यहां से आ जाएगा इतना और ये क्या हो जाएगा 9901, और ये क्या हो जाएगा गलत। अब देखिएगा, अब इसी टाइप पर इसी पर आधारित एक प्रश्न है और उसमें बोला गया है, जैसे मान लो तुमसे कह दिया गया ये क्वेश्चन है, जिसको ही बना लो ये क्वेश्चन है, और तुमसे कह दिया गया 999 और ये कह दिया गया करो सो। देखो साहब वही बात, 999 प्लस के 75 अपॉन 999 इंटू क्या हो जाएगा 99, 999 गुणा का क्या होगा 99 अपॉन क्या होगा 75 इंटू 99 इंटू 99 कट गया। देखो 99 मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस के कितना ऐड करना है 75, ये कितना हो गया यहां से 99000 माइनस के 99 प्लस के कितना हो जाएगा 75। देखना दोस्तों यहां से मैंने अगर ये किया तो ये हो गया 99000 माइनस का ज्यादा है या प्लस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा, माइनस का कितना है 99 और प्लस का कितना है 75, इसका मतलब मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहां से कितना बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 24। तो मैं यहां से कह दूंगा इसको घटाइएगा, देखिएगा ये बचेगा कितना 6 7 9 और ये कितना बच जाएगा यहां से 7 9 और ये बच जाएगा 99,978,776। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं तुमसे वो क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइएगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा तुमसे पूछा जाए और ये बोला भी जाए तुमको, तुमसे ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन अगर दे दिया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसको देखना है, ये दे दिया जाएगा 1 अपॉन a प्लस b, ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, b प्लस 1 अपॉन c, और तुमसे दे दिया जाएगा कह देगा 9 अपॉन 26। अब तुमसे ये बोलेगा कि भाई इसमें 3-4 क्वेश्चन पॉसिबिलिटियां बनती हैं, तुमसे बोलेगा ए, बोल देगा ए इंटू बी इंटू सी ज्ञात कीजिए, बोलेगा बी ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए, बोलेगा सी, बोलेगा ए प्लस बी इंटू सी ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमें पर्टिकुलरली ए बी और सी तीनों का मान अलग अलग रूप से पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इनमें हम ए बी सी के मान कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है 9 अपॉन 26, लेकिन हमें क्या करना है 26 में 9 का भाग देना है, किसमें देना है 26 में 9 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचा भैया यहां से 8, 8 बच गया, 8 में 8 का भाग दे दो फिर 9, 8 एकम 8 कितना बच गया 1, और फिर 8 का 8 में भाग दे दो 8 एकम 8 और यहां कितना हो जाएगा 8, कितना बच गया 0। मतलब ये हमें प्रोसेसिंग कब तक करनी है, जब तक कि रिमाइंडर या शेष पल हमारा या शेष 0 ना आ जाए। तो देखिएगा दोस्तों मैं सिंपल से, और क्वेश्चन हो भी गया और यहां से मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, यहां से मुझे बी की वैल्यू पता चल गई और यहां से मुझे सी की वैल्यू पता चल गई। अब मैं आसानी से इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे सकता हूं। क्या पूछ रहा था पहले में, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 60। पूछ रहा था ए बी और सी प्लस में 2 प्लस 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा भैया 11। यहां से पूछ रहा था तुमसे ए प्लस बी 2 प्लस 1 और सी का क्या करवाना था मल्टीपल, तो 3 8 दिया कितना हो जाएगा।